नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। उत्तर प्रदेश में योगी का बुलडोजर नॉनस्टॉप चल रहा है। आज मेरठ में बदन सिंह बद्दो के करीबी पर बुलडोजर चल गया। बदन सिंह के करीबी अजय सहगल के ठिकाने पर बुलडोजर चला। अजय सहगल की अवैध दुकानों को ढाया गया। गैंगस्टर बद्दो की अवैध कोठी पर पहले ही बुलडोजर चल चुका है, यानी अतिक्रमण होगा तो ध्वस्त किया जाएगा। मेरठ में ये बदन सिंह बद्दो, जिसकी करीबी अजय सहगल के कई सारे ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया है, चाहे वो अवैध दुकान हो, अवैध कोठी हो, सभी को गिराया गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बदन सिंह बद्दो, जो कि एक बड़ा माफिया है, उसका ये करीबी, जिसकी अवैध दुकानों पर जमकर बुलडोजर चलाया गया। इंडिया टीवी पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। मेरठ में बदन सिंह बद्दो के करीबी सहगल की दुकानों पर, अवैध कोठी पर पहले ही बुलडोजर चलाया जा चुका है, लेकिन अब ये दुकानों पर बुलडोजर चलते आप देख रहे हैं, और कार्रवाई में कोई बाधा ना हो इसके लिए सुरक्षा बल भी मुस्तैद नजर आ रहा है। मेरठ की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये योगी सरकार का बुलडोजर है, ये प्रशासन का बुलडोजर है, और ये बुलडोजर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करता, और खास तौर पर जब वो अतिक्रमण माफियाओं द्वारा फैलाया गया हो, माफियाओं की संपत्ति को चाहे कुर्क करना हो, चाहे ढहाना हो, ये काम प्रशासन तेजी से कर रहा है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं इस खबर पर। विशाल, बदन सिंह बद्दो और उसका ये जो सहयोगी है सहगल, इनकी किन किन दुकानों पर, कौन कौन से ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया? देखिए, इससे कुछ देर पहले की कार्रवाई है मीनाक्षी। मेरठ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पर मुकदमा चल रहा था कमिश्नर की कोर्ट में, और उसके बाद जब ये मुकदमा अजय सहगल के खिलाफ फैसला आया है, भस्तीकरण का आदेश दिया गया है, जिसके बाद मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा है, और अजय सहगल, जो कि बेहद करीबी एसोसिएट बताया जा रहा है भू माफिया बदन सिंह बद्दो का, जिसके ऊपर 2.5 लाख रुपए का इनाम है, और वो फिलहाल फरार चल रहा है। एक मामले में कोर्ट में पेशी के दौरान बदन सिंह बद्दो फरार हो गया था, जिसके बाद प्रशासन ने उसकी कोठियों पर, उसकी जमीनों पर और उसकी बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर बुलडोजर चलाया है। और अब जो करीबी एसोसिएट्स हैं, जिनके बारे में ये जानकारी मिल रही है कि वो बेहद करीबी हैं, और ये भी संभावना है कि बदन सिंह बद्दो की जो अवैध कमाई का पैसा है, यानी कि काला पैसा है, वो भी इन प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया गया होगा। तो ये करीबी है अजय सहगल, जिसकी प्रॉपर्टी पर मेरठ एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में पूरी जो मार्केट है उसको ध्वस्तीकरण करने की जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है, और प्रशासन का अनुमान है कि लगभग 1 से 2 घंटे की कार्रवाई के बाद पूरी अवैध रूप से बनी हुई सरकारी जमीन मार्केट को जमींदोज कर दिया जाएगा। विशाल, ये केवल अजय सहगल के अवैध प्रॉपर्टीज पर ही बुलडोजर नहीं चल रहा है, बल्कि माफियाओं के हौसलों को भी ये बुलडोजर ध्वस्त कर रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के हाल की कार्रवाइयों के बारे में जानकारी दर्शकों को देना चाहें, तो विशाल ये बताएं कि हाल के दिनों में, जब ये योगी सरकार पार्ट 2 शुरू हुआ है, ऐसी कितनी कार्रवाइयां हुई है? देखिए मीनाक्षी, लगातार जो कार्रवाइयां हैं वो जारी हैं। अब से कुछ देर पहले हमारी जो यूपी सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, उनका कहना है कि अब तक जो माफियाओं पे कार्रवाई हुई है वो लगभग 2,080 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है उसको सरकारी प्रॉपर्टी में अटैच किया गया है। माफियाओं की जो प्रॉपर्टीज है उसको ध्वस्तीकरण किया गया है, चाहे गाजियाबाद से गाजीपुर का इलाका हो, या फिर लखनऊ का इलाका हो, या फिर जैसा कि अभी आप मेरठ में देख रही हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। तो लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में जो माफियाओं की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है, और उसमें बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि अगर किसी ने गलत काम किया है, प्रॉपर्टी को गलत तरीके से कब्जा किया है, माफियाओं के जरिए उसमें गलत तरीके से कब्जा किया है, और सबसे अहम बात यह है कि अगर सरकारी जमीन को गलत तरीके से, प्रॉपर्टी में जो दस्तावेजों में हेरफेर होता है उसको तब्दील किया गया है, तो निश्चित तौर पर जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई की जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का जो बुलडोजर है वो लगातार कार्रवाई कर रहा है, और ऐसी प्रॉपर्टीज को, जो कि सरकारी जमीन को अवैध रूप से कब्जा करके बनाया गया था उसमें कोई कंस्ट्रक्शन, तो न सिर्फ उसको तोड़ा जा रहा है बल्कि इस प्रॉपर्टी को सरकारी अंकले में भी शामिल किया जा रहा है, ताकि राजस्व को बढ़ाया जा सके और जो सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हैं उनको भी खत्म किया जा सके। मीनाक्षी,
बिल्कुल विशाल, आप रहिए हमारे साथ। मेरठ की ये तस्वीर एक बार फिर दर्शकों को बता दें, इंडिया टीवी आपके सामने एक्सक्लूसिवली लेकर आया है, जहां पर माफिया बदन सिंह बद्दो के करीबी अजय सहगल के अवैध कंस्ट्रक्शंस पर बुलडोजर चलाया गया। ये जो दुकानें आप देख रहे हैं, कुल 6 दुकानें हैं आसपास बनी हुई थी और ये इल्लीगल थी और इसलिए इन्हें ढहा दिया गया है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर है, ये धर्म के आधार पर कार्रवाई नहीं करता, ये प्रशासन का बुलडोजर है। बकायदा जब ये कानूनी कार्रवाई के तहत केस अजय सहगल हार गया तो उसके इल्लीगल दुकानों पर ये बुलडोजर चलाया गया। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं मेरठ से। ये कोई पहली ऐसी कार्रवाई नहीं है, ऐसी कई सारी कार्रवाइयां हुई है, फिर चाहे वो माफिया मुख्तार अंसारी क्यों ना हो, उसके भी करीबियों के अवैध ठिकानों पर इसी तरीके से बुलडोजर चलाया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।